हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूँ किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थराइटिस यानी ज्वाइंट पेन से राहत पाने के बारे में। अर्थराइटिस में क्या खाएं और क्या ना खाएं और अर्थराइटिस से बचने का घरेलू इलाज। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, अर्थराइटिस में आहार क्या होना चाहिए, अर्थराइटिस की जांच कैसे की जा सकती है, अर्थराइटिस में खान पान का ध्यान कैसे रखें, साथ ही अर्थराइटिस के लक्षण और उपचार क्या होते हैं, इन सब बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या गठिया रोग में परहेज करने से ही बचा जा सकता है? कई लोगों को यह नहीं पता होता कि अर्थराइटिस में क्या खाएं, क्योंकि हमारे खान पान से गठिये रोग का खतरा बढ़ सकता है। अगर हम अर्थराइटिस में दर्द की दवा की बात करें तो कई लोग झोला छाप डॉक्टरों पर यकीन कर लेते हैं, जिससे इस रोग के साथ साथ कई और बीमारियां भी हो सकती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अर्थराइटिस में क्या खाएं और क्या ना खाएं, साथ ही अर्थराइटिस का घरेलू इलाज क्या होता है, गठिये में व्यायाम करने से क्या फायदा होता है, इन सब के बारे में यहाँ बताने जा रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। गठिया यानी अर्थराइटिस में क्या खाना चाहिए? नंबर एक, प्रोटीन से भरपूर चीजों का सेवन करें। गठिया रोग में सेम और अन्य फलीदार सब्जियों जैसे चेरी, मशरूम, ओट्स, चौलाई, संतरा, भूरे चावल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेथी, सौंठ, नाशपाती, गेहूं का अंकुर, सूरजमुखी के बीज, कद्दू, अंडा, सोया मिल्क, सोया बड़ी, सोया पनीर, टोफू आदि, पपीता, ब्रोकली, लाल शिमला मिर्च, अजवाइन, अनानास, अनार, आड़ू, अंगूर, आम, एलोवेरा, आंवला, सेब, केला, तरबूज, लहसुन, आलू बुखारा, सूखे आलू बुखारे, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी। नंबर दो, डेयरी प्रोडक्ट देगा फायदा। डेयरी पदार्थ जैसे दूध और दूध से बने उत्पाद, दही, पनीर आदि कैल्शियम का अच्छा स्रोत हैं। इन्हें आप ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि आप गठिया रोग में दूध दही भी कम मात्रा में ही लें। कैल्शियम की पूर्ति फलों और सब्जियों से करें। नंबर तीन, गठिया रोग में फलों और सब्जियों में सहजन, बथुआ, मेथी, सरसों का साग, ककड़ी, लौकी, तुरई, पत्ता गोभी, परवल, गाजर, शकरकंद, अदरक, करेला, लहसुन का सेवन करें। गठिया के रोगी को चुलाई की सब्जी भी ज्यादा फायदा करती है। नंबर चार, जैतून के तेल का करें प्रयोग। जैतून का तेल, अलसी का तेल और मछली का तेल गठिया रोग में फायदा दे सकता है। नंबर पाँच, खूब पानी पिएं। गठिया रोग में अधिक पानी युक्त फल जैसे खरबूजा, तरबूज, पपीता, खीरा आदि खाएं। गठिया रोग में हींग, शहद, अश्वगंधा और हल्दी भी फायदेमंद हो सकती है। नंबर छः, मछली का सेवन करें। मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो जोड़ों की सूजन को कम करने में मददगार होता है। अब बात करते हैं गठिया में क्या ना खाएं। नंबर एक, ज्यादा चीनी से बचें। चीनी की मिठास आपके घुटनों के लिए खराब हो सकती है, इससे वजन बढ़ता है और घुटनों में दर्द पैदा होता है। नंबर दो, कैफीन का सेवन ना करें। कैफीन बॉडी को डिहाइड्रेट बनाता है जो दर्द को बढ़ा सकता है, साथ ही यह बॉडी के जरूरी पोषक तत्वों को भी सोख लेती है जिससे और भी दर्द हो सकता है। नंबर तीन, रेड मीट ना खाएं। जब आपको गठिया हो तब आपको उन खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जितना फास्फोरस रहेगा आप उतना ही कैल्शियम हड्डियों से घटाते जाएंगे। नंबर चार, गठिये में खट्टी चीजों को कहें ना। गठिया रोग में खटाई युक्त चीजें जैसे कच्चा आम, इमली, सिरका आदि का सेवन ना करें। होम रेमेडीज फॉर अर्थराइटिस यानी गठिया रोग का घरेलू उपचार। नंबर एक, लहसुन दे सकती है फायदा।
लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जिससे यह जोड़ों में दर्द और सूजन को कम कर सकता है। इसके अलावा लहसुन में डायलाइल डाइसल्फाइड नामक तत्व भी होता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह प्रभावी असर दिखाता है। यह अर्थराइटिस के कारण होने वाले दर्द व सूजन को कम करने और नष्ट कोर्टिलेज को ठीक करने का काम करता है। नंबर 2, अदरक दिलाएगा राहत। अदरक सूजन को दूर करने के भी काम आता है। यह बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन के स्तर को कम कर अर्थराइटिस से राहत दिला सकता है। नंबर 3, सौंठ का करें सेवन। सौंठ का सेवन करने से गठिये के रोग में आराम मिल सकता है। इसे आप किसी भी रूप में खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है अर्थराइटिस यानी गठिये में क्या खाएं और क्या ना खाएं और अर्थराइटिस का घरेलू इलाज। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, शेयर करें उन लोगों से जिन्हें इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।